गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे गांधी जी का जन्मदिन है जो 2 अक्टूबर 2020 को है आज, ठीक है ना। हमारे गांधी जी का जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को आता है, जिसको हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। वो आपको सबको, हम सबको उनकी सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आपकी जो आज की वर्कशीट है, जिसको हम कार्य पत्रिका भी बोलते हैं, कार्य पत्रक भी बोलते हैं, वो 77 वर्कशीट है केजी से सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है। और जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको अपना नाम, मतलब बच्चे का नाम, विद्यार्थी का नाम, स्टूडेंट का नाम लिखा जाता है। यहाँ पे कक्षा व विभाग, और यहाँ पे आपको अपनी अध्यापक, जो भी आपके अध्यापक या अध्यापक है, आपको उसका नाम लिखना है। तो बच्चों, जो आज हमारी जो वर्कशीट है, जिसमें है, जिसको हमें आज पढ़ना है, समझना है, वो क्या है? सीधी और घुमावदार रेखाओं की दुनिया है। आज हमें उस दुनिया में जाना है जहाँ पे सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन से और घुमावदार मतलब कर्व लाइन से हमारे जो है अल्फ़ाबेट हमारे बनते हैं। आज हमें इन्हीं के बारे में समझना है और पढ़ना है। तो हम अपनी जो वर्कशीट है, कार्य पत्रिका है, वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आर वर्कशीट या कार्य पत्रिका, ठीक है ना। तो क्या है, हमें क्या दे रखा है? अंग्रेजी के कई अक्षर सीधी रेखाओं से बने होते हैं। सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं। वो कौन से हैं? इसमें ए दे रखा है। कैसे? ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है ना ये, और बीच में भी क्या है? स्ट्रेट है। तो हमारा क्या बना हुआ है स्ट्रेट लाइन से? हमारा ए बना हुआ है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? जो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, कुछ अक्षर घुमावदार रेखाओं से बने होते हैं, मतलब कर्व लाइन से। ये क्या है? सी। हमें क्या एग्जाम्पल? सी कर्डमाव घुमावदार, मतलब ये क्या है? घुमावदार है, थोड़ा सा घुमा के आ रहे हैं। और स्ट्रेट क्या था? वो सीधे ऐसे आ रहे थे। तो कौन सा है इसमें? सी। और हमें आगे क्या दे रखा है कि कुछ अक्षर, कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे भी हैं जिनमें सीधी और घुमावदार रेखा दोनों ही होते हैं, उसका नाम, उसको पहचाने। ये क्या है? बी। कैसे? अब समझो, बी कैसे बना हुआ है? पहले हमें डंडा खींचा, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। फिर एक घुमाया, ये क्या है? घुमावदार। फिर एक और घुमाया, क्या बन गया? ये हमारा बी अल्फ़ाबेट बन गया। तो ये किस किस से बना है? एक तो स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन कहाँ है इसमें? ये वाली स्ट्रेट लाइन है। और घुमावदार, घुमावदार कर्व का ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमारे तीनों, ये हमारे एग्जाम्पल थे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आइए एक खेल खेलते हैं कि, ठीक है ना। अब हम एक खेल खेल रहे हैं। खेल में क्या खेलना है हमें? आप अंग्रेजी के उन अक्षरों को ढूंढिए, मतलब सर्च कीजिए, लिखिए जो सीधी रेखाओं से बने। अब हमें जो ये हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमारे पूरा अल्फ़ाबेट जो दे रखा है हमें, अब इसमें से ना जो सीधी रेखा से बने हैं वो छांटने, तो हम छांटते हैं। लेट्स बिगन। देखो क्या, कौन कौन सा है, खुद मेरे साथ भी आप बोलना। कौन सा है? ए, सीधी स्ट्रेट लाइन से बना है। फिर क्या है? ई, ई हमारी स्ट्रेट लाइन से बना है। एफ, एच, आई, के, एल, एम, एन, और कौन सा है? टी। टी के बाद कौन सा है? टी के बाद हमारा क्या है? जेड, वी, डब्ल्यू और एक्स। ये क्या बने हुए हैं? और वाई। ये क्या है? हमारे स्ट्रेट लाइन से सीधी रेखाओं से बने हुए हमारे अक्षर हैं, हमारे अल्फ़ाबेट हैं अंग्रेजी के, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं? अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमें ढूंढने को, सर्च करने को, कि उन अक्षरों को ढूंढिए और लिखे जो घुमावदार रेखा से बने हैं। घुमावदार रेखा से कौन कौन से बने हैं वो ढूंढने हैं हमें। बी बनाए भाई, सी बनाए, डी बनाए, एच, ये जी बनाए, हमारा जे बनाए, हमारा ओ बनाए, हमारा, एक मिनट रुको, दोबारा से करते हैं। क्या है देखो, घुमावदार, सिर्फ हमें घुमावदार देखने हैं अभी, दोनों नहीं देखा, घुमावदार देखना है सिर्फ। क्या है? बी बनाए, घुमावदार, सिर्फ घुमावदार, मतलब कर्व लाइन से। सी बनाए, फिर ढूंढो, डी नहीं होगा क्योंकि डी में एक कर्व लाइन भी आ रही है, ठीक है ना। हमारा जी भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी कर्व लाइन आ रही है, ठीक है। और हमारा बना है ओ, ये भी ओ, जब दो कर्व लाइन मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। और हमारा बना है यू, ये हमारा क्या बना है? कर्व लाइन से बना है। अब तीसरे का ढूंढना है हमें, उन अक्षरों को भी ढूंढिए जिनमें इन दोनों की रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है। दोनों कौन सी? स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। अब हम वो ढूंढते हैं, कौन कौन से हैं? बी स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व लाइन भी है। डी, जी, हमारा जे, और भाई क्या है? हमारा क्यू, हमारा आर, और
बस हमारे ये हैं बेटा, आपका एक छुटिया था जो कर्व लाइन से बना है, एस एस भी आपका कर्व लाइन से बना है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्वेश्चन हो गया। अब क्या दे रखा है हमें कि अब आप अपना नाम अंग्रेजी में लिखिए। अब आपने अपना नाम अंग्रेजी में लिख दिया, आपका नाम, ठीक है ना, नाम लिख दो आपका कोई भी। फिर क्या है, आपको तीन क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके नाम के कितने अक्षर सीधी रेखाओं से बने हैं, कितने अक्षर घुमावदार रेखा से बने हैं, कितने अक्षर दोनों रेखाओं से मिलकर बने हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी में कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन से अक्षर बने। अगर मेरा नाम या आपका नाम, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ए टी यू एल, हम लिखते हैं अतुल। आप अब इसमें हम छांटते हैं क्या है, आपके नाम के कितने अक्षर सीधी रेखाओं से, सीधी रेखाओं से कितने, हमने अभी अब पढ़ा था क्या है, ए है सीधी रेखा से, टी है और एल है। तीन अक्षर क्या है हमारे, सीधी रेखा से बने हैं। कितने अक्षर घुमावदार रेखा से बने हैं, घुमावदार से कितने बने हैं भाई, यू, यू हमारे घुमावदार से बने हैं वन। कितने अक्षर दोनों को मिलाकर बने हैं, इसमें तो हमें कोई भी दोनों को मिलाकर नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा हमारा, ज़ीरो। क्या आएगा हमारा, ज़ीरो। तो मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ जिसमें ये दोनों तीनों चीज़ें आती हूँ। अब हमारा हम एक नाम लिख लेते हैं, प्रमुख, पी आर ए एम यू के एच। अब हम इसमें देखते हैं, ठीक है ना, आपके आपके नाम में कितने अक्षर सीधी रेखा से बनाए, सीधी रेखा से देखो कौन कौन से बनाए, ए बनाए, एम बनाए, के बनाए और एच बनाए, और कोई तो नहीं बनाना, नहीं, तो कितने बने हैं, चार। कितने बने हैं, चार। अब है कितने अक्षर घुमावदार रेखाओं से बने हैं, घुमावदार मतलब कर्व्ड लाइन से, तो किसमें क्या बना है, एक, चेंज पैन क्या है, एक, यू, एक। कितने अक्षर दोनों को मिलाकर बने, आप देखो पी क्या है, दोनों को मिलाकर बना है, कर्व लाइन भी है इसमें और स्ट्रेट लाइन भी है। आर क्या है, स्ट्रेट लाइन भी है, कर्व लाइन भी है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा दो। तो ये एग्जांपल जो हमारा प्रमुख नाम का, ये पूरा फिट बैठ रहा है इसको समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं, आगे पढ़ते हैं हम, चलो। यह काम अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आप कर सकते हैं, आप अपने परिवार के नाम जो जो है उनको लिखिए और उसमें ये आप प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आपको स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और जिसमें दोनों समझने में आपको बहुत सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। चलो अब आगे पढ़ते हैं ये जो, चलो, सोनू सोच रही है उसके नाम में तो बस चार अक्षर, एक लड़की जो सोनू है वो सोच रही है उसके जो नाम में चार अक्षर है, एस ओ एन यू, सोनू। आपके नाम में कितने अक्षर हैं, आप अपने अपना अपना बताइए, आप सोचिए। क्या आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए पता करेंगे किसके नाम में कितने अक्षर हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा अक्षर किसके नाम में है, आप अपने परिवार को ले, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एज एग्जांपल, लेकिन आप अपना सोचिए। जैसे मेरे पिताजी के नाम में, मतलब पापा के नाम में, डैडी के नाम में मेरे अक्षर जो है सबसे ज़्यादा है, उनका नाम क्या, योगेंद्र, हम अल्फ़ाबेट में ही लिखेंगे यो गेंदर, काउंट करो कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितने हैं, एट। तो हम यहाँ पे एट लिख लेंगे। आप अपने पापा का या अपनी मम्मी का, अपने भाई का, बहन का, जिनके जिनके नाम में ज़्यादा अल्फ़ाबेट हो ना, आप उनको ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, और सबसे कम अक्षर कितने नाम में है, मैं सोनू ही जैसे एग्जांपल ले लूँ, सोनू मैंने जैसे ले लिया, सोनू में कितने अक्षर हैं, सोनू किससे बन के बना, एस ओ एन यू, कितने अक्षर हैं इसके नाम में, चार। कितने हैं, चार। अब वो क्या कह रहा है, दोनों नाम के अक्षरों में कितने अक्षरों का अंतर है। अब अंतर के लिए हमें हमेशा क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, हम घटाते हैं। सबसे ज़्यादा किसके नाम में अक्षर, क्या नाम, मतलब नाम में कितने अक्षर थे, आठ थे, कम चार थे, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, दोबारा से पहले आठ थे सबसे ज़्यादा में, फिर चार। अब हम अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हम घटाते हैं, हम घटाएंगे, क्या आ जाएगा, आठ में से चार, आठ में से चार गए चार। आप कैसे करते हो, वन टंडा लगाया करते हैं ना आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आप ऐसे करते होंगे। अब आपको चार काटने हैं, ठीक है ना, कैसे काटेंगे आप, एक दो तीन चार काट दिया आपने, कितने बच गए आपके पास, एक दो तीन, एक मिनट,
दोबारा से करते हैं हम, आठ है, आठ के डंडा लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने माइनस करने हैं, 4 माइनस करने हैं। आप कैसे करते होंगे छोटे बच्चे, ऐसे करते होंगे कि यहाँ पे वो लगा लेते होंगे कार्ड, एक काट दिया, 2 3 4, अब कितने बच गए आपके पास, काउंट करो। अब हम काउंट करेंगे हमारे, 1 2 3 4, कितने बच गए हमारे पास, 4, कितने बच गए, 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4, कितना आ गया अपना, हमारा आंसर 4। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी जिसे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है ना। अगर कुछ आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी उसको और अच्छे करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको थोड़ी भी कुछ मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरा जो आपका और मेरा दोनों का जो चैनल है ऐसा लर्निंग, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो उसके बराबर में बेल आइकन होती है आप उसको भी दबा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वर्कशीट डालूं तो आपके पास, आपको ढूंढना ना पड़े, आपको सर्च ना करना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही, आगे की वर्कशीट के लिए हम आगे मिलेंगे बच्चों, सब बच्चों को मेरा नमस्कार, बाय बच्चों।